अफसरां नाल दिल्ली सरकार की तकरार नवी नहीं, हुण एक बार फिर दोवें धिरां मूहे सामने ने, क्योंकि दिल्ली सरकार ने CAG राही दिल्ली जल बोर्ड का 15 साल का ऑडिट करवाउण दा हुक्म दिता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड नूं जिहड़े फंड जारी नहीं किए गए उसके कारण ही दिल्ली विच पानी की समस्या पैदा हो जा रही है। अजिहे विच अरविंद केजरीवाल ने मुड़ दोहराया कि जेकर अफसरशाही चुनी हुई सरकार नूं जवाबदेही नहीं होवेगी तो सरकार चलाउणी औखी हो जाएगी। जब होगा देखा जाएगा। आपने ऑर्डर किया है जल बोर्ड के ऑडिट के लिए, तो ये विपक्ष के लोग कुछ आरोप लगा रहे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। CAG का अगर ऑडिट होगा, 15 साल का ऑडिट हम लोगों ने ऑर्डर किया है दिल्ली जल बोर्ड का, तो थर्ड पार्टी है CAG, सबसे बड़ी संस्था है देश की। दूध का दूध पानी होगा, अगर किसी ने गड़बड़ की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर गड़बड़ नहीं की है तो ये लोग जो रोज़ उलट सुलट आरोप लगाते रहते हैं तो पता चल जाएगा कि किस को लेकर भी बातें हो रही थी, रिलीज नहीं कर रहे हैं ये बहुत। एक्चुअली जो पूरी अफसरशाही है, ये अफसरशाही अगर चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तो सरकार चलाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस वक्त जल बोर्ड को जो फंड्स नहीं रिलीज़ किए जा रहे उसकी वजह से पूरे दिल्ली के अंदर अब पानी की और सीवर की बहुत बड़ी भारी समस्या पैदा होने जा रही है। अभी आतिशी जो जल मंत्री हैं वो जगह जगह जा रही हैं और सीवर की ऑलरेडी कई जगह सीवर ओवरफ्लो करने लग गए हैं, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी ग्रांटिंग एड की दिल्ली जल बोर्ड की, वो ये रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है।